जगदलपुर नगर निगम में कांग्रेस महापौर सफीरा साहू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पत्र सौंपा है। इस दौरान भाजपा पार्षद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नगर निगम की कांग्रेस सरकार द्वारा भाजपा पार्षदों के साथ पक्षपात किया जाता है। इसके अलावा भाजपा पार्षदों ने नगर निगम सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। गौरतलब है कि नगर निगम जगदलपुर में 48 वार्ड हैं, कांग्रेस के पास 28 पार्षद, वहीं भाजपा के पास 20 पार्षद हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए भाजपा को एक तिहाई बहुमत साबित करना होगा। बहुमत कम होने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि सत्ता पक्ष में पहले से ही गुटबाजी हावी है। सत्ता दल के पार्षदों ने पहले ही महापौर को विकास विरोधी बताया है। इसमें वोट भी करेंगे और उम्मीद है कि जो गुटी राजनीति कांग्रेस की है उसके अंदर से हमको सफलता प्राप्त होगी। कैसे इसको प्रूफ करना? मैंने आपको कहा कि हम संख्या बल में निश्चित रूप से कम हैं, लेकिन आपने देखा है सदन के अंदर महापौर और अध्यक्ष के बीच में किस प्रकार का खींचतान है, सब आम लोगों को पता है। सत्ता पक्ष के लोग अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं आप विकास विरोधी हैं, तो उनके अंदर की जो कमियां हैं उसका फायदा हमको मिलेगा और इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। नगर निगम जगदलपुर के भाजपा के अपनी सभी पार्षदों के द्वारा सिटिंग मेयर के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव का एक प्रस्ताव मेरे पास जमा कराया है। इसका अवलोकन के पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। सर सिग्नेचर अभी तो उसका परिशीलन के पश्चात पता चलेगा। सर एज पर प्रोसीडिंग अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो नियम है उनका वो परिशीलन के बाद अभी उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के रूप में मैंने इसको लिया है। इसका आगे का किस तरीके से कार्रवाई होगा परिशीलन के पश्चात ही हम लोग आगे बता पाएंगे।